2017 में जो मास मूवमेंट हुआ था गोखलानी इशू पे, तो 105 डेज में, विद इन 105 डेज में हमारा कई सारे गोरखाओं ने अपना बलिदान दिया। लेकिन जिस पार्टी को हमने एक ट्रस्ट किया था कि सेंट्रल में उनका सरकार बनने के बाद हमारा जो एस्पिरेशन है गोरखालैंड वो पूरा कर देंगे, लेकिन उस टाइम 2017 में वो साइलेंट स्पेक्टेटर के तरह दिल्ली में बैठ गया। तो इसलिए हम लोग ने ये तय किया कि बीजेपी दे आर नॉट सिंसर अबाउट द गोरखा इश्यू, सो आई हैव डिसाइडेड कि अभी वो अगर सीरियस ही नहीं है तो हम लोग एक फ्यूटल एक्सरसाइज क्यों करें। तो इसलिए अब फिर GTA इलेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या डेवलपमेंट इश्यूज़ है, ये लोकल एजेंसी है, ऑटोनोमस बॉडी है अंडर स्टेट एक्ट, सो वी आर पार्टिसिपेटिंग इन GTA इलेक्शन सेकेंड टाइम। TMC पार्टी ने खाली 10 कैंडिडेट दिया है, उसमें से एक आप है। अगर कल दूसरा पार्टी तो वोट बनाएगा, TMC पार्टी तो वोट नहीं बनाएगा, तो आप अनिल थापा या अदर अंडर में बैठेंगे? ना, ऐसा है कि 10 हम लोग को दिया है, 35 अनिल थापा का पार्टी जो है भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक पार्टी का, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। आपको मैं बता दूं कि आप लोग ने सुना होगा शायद, कई बार हंग पार्लियामेंट सुना होगा शायद, कई स्टेट में हंग असेंबली भी सुना होगा शायद, और GTA में भी है। मेरे को लगता है, मेरा दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन एंड ऑब्जर्वेशन ऑल्सो, कि हंग GTA सभा हो सकता है। 2017 के आंदोलन के बाद बहुत एलिगेशन लग चुका है आपको, उसी बात आपने अभी तक एक इलेक्शन भी नहीं जीता, इस बार कैसा है, जीतेंगे? ना देखिए, मैंने एक इलेक्शन हारा था सिर्फ 2019 का। हाँ, 2012 में मैंने अनकंटेस्ट किया था GTA में, और 2019 में मैंने बाई इलेक्शन में, MLA इलेक्शन में मैं हारा था, ये सही बात है। लेकिन 2021 में तो केशवराज पोखरेल था, मैं नहीं था, लेकिन कोजामुमा टू आपका था। था, लेकिन तभी भी कैंडिडेट में ही था, नहीं था ना फर्स्ट टाइम, मतलब दिस इज द सेकेंड टाइम कि मेरा कंस्टिट्यूएंसी का वोटर्स दे आर वो मेरे ऊपर में वोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी का जो उनका माइंडसेट है, दे आर वेरी पॉजिटिव टू अस, दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव टू स्टेट गवर्नमेंट एंड द तृणमूल कांग्रेस। अगर इस बार भी इलेक्शन हार गया, फ्यूचर प्लान क्या होगा विनय तामंग का? हारने का कोई उम्मीद ही नहीं है, आप ये जो वर्ड है वो आप प्लीज़ वापस ले लीजिए। और बिमल गुरुंग ने तो आज ये वोट बाइकट कर दिया है, तो इसमें आपका क्या हो रहा है? वोट बाइकट कर दिया है बिमल गुरुंग, उनका अपना स्टैंड है, इसमें मेरा कमेंट नहीं है, उनका अपना स्टैंड है, उन्हें बॉयकॉट किया तो ठीक ही है, उनका अपना स्टैंड होगा, उनका पार्टी का स्टैंड होगा। लेकिन ये कहना भी सब मेरा देखिए दो मन नहीं है कि कई जगह पे उनका ऑफिशियल कैंडिडेट तो नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ पे है, लेकिन जिस कैंडिडेट ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फील किया है, लेकिन पार्टी ने कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, सोकस नोटिस अभी तक नहीं मिला। मेरा कंस्टिट्यूएंसी भी एक रामप्रसाद राय उन्हीं का पार्टी का है, अभी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, लेकिन उनका ऊपर में कोई ऐसा पार्टी का एक्शन नहीं हुआ, तो इससे लगता है कि मतलब